आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम खरगोन शहर पहुंचे। अंजुमन नगर में आयोजित इस्तकबालिया कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन यहां काफ़ी मजबूत है। उन्होंने AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश में भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहां भी अल्पसंख्यक वर्ग निर्णायक है, वहां पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाकर कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ग को पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाना है। विधायक रवि जोशी ने कहा कि वर्तमान में देश में जहर फैलाने वाली ताकतें काम कर रही है। इससे लड़ने का एकमात्र हथियार है शिक्षा। हमें लड़का हो या लड़की हो, सभी को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे लोगों को बांटने वालों के झांसे में ना आए। इस दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। उसमें खरगोन शहर में सद्भावना का जो हमारे राहुल जी इस देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मोहब्बत मिशन के लिए निकले हैं, मोहब्बत की दुकान खोली है, आज उस मकसद से अल्पसंख्यक विभाग ने या अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना इस्तकबालिया प्रोग्राम कराया, जिसका मकसद ही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एकता कराना, समाज को एक करना और हर वर्ग में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करना। आपका आने का एक उद्देश्य क्या रहा, जैसे आप यहाँ आए को लेकर के आए हम? ये जो उद्देश्य मैंने अभी बताया कि हम जो हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस मिशन को लेकर हम हर जिले में सद्भावना सम्मेलन करा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं, उनमें एकता को बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सबको नोट करना और आने वाले समय में जो हमारी सरकार बनेगी तो उनकी सारी समस्याओं को हल करना। यह देखने में आया खरगोन के अंदर कि जब अल्पसंख्यक प्रोग्राम होता है तो व्यापक में होता है, किसी कार्यालय कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यकों का प्रोग्राम नहीं होता है। ये जो प्रोग्राम था आपने देख लिया कितनी तादाद में लोग आए थे, इसलिए उसके लिए ये जगह उचित थी, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। UCC अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसके बारे में पार्टी का स्टैंड रहेगा, मगर मुस्लिम समाज का स्टैंड ये है कि जो इस्लाम के हिसाब से जो हमारी शरीयत और कुरान बोलता है उस हिसाब से हमारा कानून बनेगा। अभी आपने चुनावी संबोधन भी दिया है, इसमें ओवैसी की पार्टी को भी पार्टी बताया बीजेपी को, क्या किसान ओवैसी की पार्टी जहां पर भी जाती है, जैसे बहरानपुर अभी चुनाव लड़ाया उन्होंने, 10,000 वोट उनका कैंडिडेट लाया, तो उससे फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के उम्मीदवार, हमारी 10,000 वोट से महापौर मिल गई, आज मुस्लिम इलाकों में काम भी हो पा रहा है। इस तरह से UP बिहार जहां पर भी गए हो, उनसे सिर्फ फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को होता है। देखने में यह आया कि खरगोन के अंदर विधायक से खरगोन के अल्पसंख्यक लोग नाराज नजर आते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा तादाद में। जिस हिसाब से आज ये सम्मेलन हुआ और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद दिख रही है, उस हिसाब से तो हर आदमी आकलन कर सकता है कि रवि जोशी से खरगोन के मुसलमान बहुत खुश है। 0.1 के हिसाब से सर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये 0.1 के हिसाब से तादाद है, बाकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।